भेड़ के अचानक बाल बढ़ जाते हैं। तभी एक डॉगी उस भेड़ को एक बूढ़े आदमी के पास लेकर आता है और वो बूढ़ा आदमी उस भेड़ के बाल कैंची से काटता है और उस भेड़ के सारे बाल काटकर अपनी छड़ी से उन बालों को आसमान में फेंकता है। फिर उस भेड़ के बालों की वजह से वहाँ पर बारिश होती है और वहाँ डॉगी और बूढ़ा आदमी बैठे हुए होते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी हेड उतार कर डॉगी को पहनाता है और वो दोनों वहीं बारिश का मजा लेते हैं। फिर दूसरे दिन एक दूसरी भेड़ के बाल बढ़ जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी उसके भी बाल काटकर आसमान में फेंकता है। फिर हर रोज जिस भी भेड़ के बाल बढ़ जाते हैं तो वो डॉगी उस भेड़ को उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है और वो आदमी उस भेड़ के बाल काटकर आसमान में फेंकता है और उन भेड़ के बालों की वजह से वहाँ पर बारिश होती है। फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन एक दिन वो डॉगी देखता है कि उसका मालिक वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो डॉगी उस बूढ़े आदमी के घर जाता है और देखता है कि उसका मालिक बेड पे सोया हुआ होता है और वो डॉगी उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस वो बूढ़ा आदमी मर चुका होता है और वो डॉगी उसके पास ही सो जाता है। लेकिन उसके बाद उन भेड़ों के साथ जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। अगर पानी में आपकी माँ और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? अगर आप अपनी माँ को बचाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इन पैसों को बचाते हो तो कमेंट करना, और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।